चैनल पे अगर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज का जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम बोर नस्ल के जो बकरे आते हैं, बकरे बकरियाँ, उनके बारे में बात करने वाले। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो आपको प्ले हो रहा है, सामने दिख रहा है, तो एक यूट्यूब चैनल है कानश फार्मिंग, मेरा उनसे कुछ दिनों पहले बात हुआ था। उनका एक यूट्यूब चैनल है कानश फार्मिंग, राइट साइड में आपको ऊपर दिख जाएगा, और इसकी जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। आप वहाँ पे जाके इनके चैनल पे विज़िट कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आपको बोर क्रॉस के जो बकरे हैं या फिर बकरियाँ है, बच्चे है, इसकी देखभाल कैसे करना है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और उनके यूट्यूब चैनल पे ये सारी जानकारी ऑलरेडी अपलोडेड है, तो यहाँ पे आप उनके चैनल पे जाके वो सारी जानकारी देख सकते हैं कि बच्चों का देखभाल कैसे करना है, उनको खाना दाना कितने कैसे कैसे देना है, वो सारी जानकारी उनके चैनल पे मौजूद है। और ट्रेनिंग के भी कुछ वीडियो उनके चैनल पे आए हुए, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, एक बार विज़िट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन मैंने जब इनके यूट्यूब चैनल पे जाके देखा और उनका जो फार्म देखा, तो पता चला कि इन्होंने जो अपना पूरा फार्म और बकरी पालन जो भी है उनका, तो वो पूरा एकदम मस्त तरीके से डेवलप करा है। अच्छा खासा इनकम भी वो कर रहे हैं इससे, तो अच्छा लगा मुझे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उनके चैनल पे एक बार जाके आप विज़िट कर सकते हो। तो इनके पास बकरे भी देख सकते हो आप, कैसे किस तरीके से बकरे इनके पास, बड़े बड़े बकरे भी इनके पास मिल जाएंगे। अगर आपको लेना भी है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इनका जो पूरा एड्रेस है, अविनाश देवड़ा गोट फार्म, वो पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भर दिया है। आप वहाँ पे जाके उनको व्हाट्सअप भी कर सकते हो अगर आपको इस तरीके से कुछ बकरे बकरियाँ भी ख़रीदने हैं। अगर सेल रहेंगे तो वो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे बात कर लेना। तो इस तरीके से उनके बकरे हैं, और उनकी जो गोट फार्म है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। आप देख सकते हो पूरा कंपाउंड वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो कुछ कुछ यहाँ से स्पेस भी छोड़ा है उन्होंने। और जो उनका शेड है पूरे तरीके से एकदम सीमेंट का बना हुआ है, और यहाँ पे जो दाना पानी खाने के लिए इनको भूसा भी डाला है उन्होंने। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप, बच्चे बहुत ही ज़बरदस्त थे। और ये इनका दरवाज़ा है, एक अलग रूम है, इन्होंने अलग अलग कंपाउंड बनाए है, बच्चों के लिए अलग है, बकरियों के लिए अलग है, बड़े बकरे के लिए अलग है, छोटे बकरे के लिए अलग है, और ख़ास करके जो प्रेग्नेंट बकरियाँ होती हैं उनके लिए भी एक अलग सेक्शन इन्होंने बना के रखा है। तो यहाँ पे सामने देख सकते हो आप, एकदम खुला मैदान है, जहाँ पे उन्होंने रॉड के सहायता से इन्होंने यहाँ पे एक कंपाउंड मार दिया है, जिसमें बकरे आराम से घूम सकते हैं। उस साइड भी आप देख सकते हैं, कुछ बकरियाँ है, बच्चे छोटे वहाँ पे खेल कूद रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अपना गॉड फार्म बनाया था। आप कमेंट में जाके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और उनके चैनल पे जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर ये वीडियो भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।